नमस्कार, मैं हूं जिया और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सिर्फ एक ही गलती और काल बन गया कोरोना। एक परिवार के 5 लोगों की मौत। झारखंड के कोयला नगरी धनबाद में एक परिवार को कोरोना वायरस और उससे जुड़ी गाइडलाइन को नजरअंदाज करना बेहद भारी पड़ा। कोरोना वायरस की वजह से अब तक एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक सदस्य अस्पताल में मौत की लड़ाई लड़ रहा है। दरअसल कतरास के चौधरी परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला 27 जून को एक शादी समारोह में शामिल होने दिल्ली गई थी। वहां से लौटने के बाद जब 90 साल की वृद्ध महिला की तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल में पता चला कि महिला कोरोना संक्रमित है। इलाज के बाद भी महिला को नहीं बचाया जा सकता और 4 जुलाई को उसकी मौत हो गई। इसके बाद जब पूरे परिवार और महिला के बेटों की जांच की गई तो 2 बेटे संक्रमित पाए गए और इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। इसके बाद संक्रमण की वजह से महिला के 2 और बेटे बीमार पड़ गए। कोरोना का डर और डिप्रेशन में जाने की वजह से उन्होंने भी दम तोड़ दिया। सिर्फ 12 दिनों के भीतर इस परिवार में कोरोना वायरस के 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं महिला का 5वां बेटा भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। उसे राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। परिवार के सबसे वृद्ध महिला की मौत के बाद धनबाद में उनके अस्पताल में रहने वाले 70 से भी ज्यादा लोगों की जांच की गई थी। इसी दौरान मृतक महिला के 3 बेटे भी संक्रमित पाए गए थे। महिला के 2 बेटे पहले ही हृदय और फेफड़े संबंधित रोग से ग्रसित थे। इस परिवार के 1 बेटे की मौत धनबाद के सरकारी अस्पताल में हो गई, जबकि दूसरे की कोविड स्पेशल अस्पताल और तीसरे बेटे की मौत रांची के रिम्स अस्पताल में हुई। चौथे बेटे की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इसके बाद उसे जमशेदपुर के टाटा मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी भी मौत हो गई। महिला का 6ठा बेटा अभी भी दिल्ली में है। जानकारी के मुताबिक जिस वृद्ध महिला की सबसे पहले मौत हुई थी वह दिल्ली में रह रहे अपने पोते की शादी में शामिल होने के लिए गई थी। परिवार में सबसे बड़ी गलती यह हुई कि कोरोना के मौत के बाद ICMR के दिशा निर्देशों की जगह सामान्य तरीके से अंतिम संस्कार किया गया, जिससे दूसरों में भी संक्रमण फैल गया। ऐसी और भी कोरोना संबंधित जानकारी के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।